हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। एंड आपको मेकअप का लुक आज कैसा लग रहा है, तो आप लोग देखना चाहेंगे ना वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप बताया। ये मुझे कलर बार का फ्री वेट वाइप मिला था मुझे नायका से, बहुत ही अच्छा है। इसे मतलब मुझे फेवरेट हो गया, बहुत पसंद आ गया था मुझे ये वेट वाइप। और उसके बाद ये फ्री में मिला था तो वो और भी पसंद आ गया। उसके बाद मैंने एक ब्लर प्राइमर यूज़ कर लिया है, जो ऑयली स्किन के लिए नहीं, ड्राई स्किन के लिए होता, ऑयली स्किन वालों के लिए। और फिर मैंने आइकॉनिक का लिक्विड ग्लिटर यूज किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, माई फेवरेट वन, और मेरा ये हमेशा से फेवरेट रहा है। और ये आपकी स्किन को ना अंदर से जब मेकअप करेंगे ना, तो ग्लो करता है ना, बहुत ही अमेजिंग सा ग्लो करता है। आप लोगों को जैसे कि काफ़ी बार आप नहीं देना चाह रहे शेडिंग वाला, तो इसको नीचे डाल देंगे ना, जो लुक आता है ना एनहांस होके, बहुत ही प्यारा लुक एनहांस होके आता है। और ये मैंने हल्का सा पीच शेड लिया है, आपको बहुत ही प्यारा शेड है। और उसके बाद मैंने हुडा का फाउंडेशन लिया है। ये आपको वाटरप्रूफ बनाने के आज टेक्निक्स बताऊंगी कि जिससे आप भाई साहब इतना बढ़िया वाटरप्रूफ कर लेंगे। सबसे इजी एंड बेस्ट ऑप्शन है अल्फ्रेजा डाल लीजिए मैजिक प्राइमर, ये 2 ड्रॉप्स मिक्स कर लीजिए अपने फाउंडेशन में, एंड मेक योर फाउंडेशन टू मच लॉन्ग लास्टिंग। और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई भी ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम करिए, सबसे इजी कोई भी ट्रांसलूशन पाउडर लीजिए, अपने फाउंडेशन में मिक्स करिए, एंड देन काफ़ी अच्छे से मिक्स करिएगा, कोई लम्स मत रहे और एकदम स्मूथ सा हो जाएगा। देन उसको अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे, आप देखेंगे कि जो आपका बेस होगा वो इतना फिनिश एंड फिक्स आएगा ना, कि भाई साहब बहुत तगड़ा आने वाला है, कि आप फैन हो जाएंगे, आपको कोई ऑयल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बट जो ऑयल का इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। और फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया है मैंगो ब्यूटी ब्लेंडर। देखिए आपका इसका शेप भाई साहब, कर्विंग जो है वो किसी भी एरिया में आराम से ब्लेंडिंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा कोई भी, बस ये ले लिया समझ लो लाइफ झिंगा लाला। इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और पूरे फेस पे, अंडर आईज के नीचे, फोरहेड पे एंड द चीक्स पे, पूरे फेस पे डैप डैप करके हल्के हैंड से पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करिएगा। एकदम प्रॉपर तरीके से आपका फाउंडेशन आना चाहिए, कहीं पर भी ऊपर नीचे इक्वल लगना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। और आपने देखा कि मैंने आईब्रोज के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट लगा दिया, क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे आपके प्रोडक्ट आईब्रोज पे नहीं लगता है ना, तो जब आप जब आप आईब्रो फिल करते हैं ना, तो प्रॉपर लगती हैं वो, काफ़ी अच्छा से नहीं लगता और फिनिश नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से उस पर प्रोडक्ट लगाया। एंड देन अपना कंसीलर लिया है, टार्ट का कंसीलर यूज़ किया है आज मैंने, और उसको अच्छे से अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, एंड देन ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसको अच्छे से ब्लेंड करिएगा, कहीं पर भी पैचीनेस नहीं होना चाहिए। आपका जब प्रॉपर ब्लेंड करेंगे ना, तो जो स्मूथ सा टेक्सचर आएगा ना, वही आपको प्रोफेशनल शो करेगा। एंड देन उसके बाद कॉन्टूर कर लेंगे, टार्ट का थोड़ा सा लिक्विड डाला, डार्क कंसीलर ले लेंगे, आप डार्क शेड लेंगे और लाइटर, दोनों बेस्ट ऑप्शन है। मे बी क्योंकि ये वाटरप्रूफ रहता है, तो मेरे हिसाब से अगर जैसे वाटरप्रूफ मेकअप कर रहे हैं आप, गर्मियों का कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर सारे प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करेंगे, तो भाई सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। एंड देन अपने मेकअप को कर लेंगे बेक अच्छे से। एक मैंने ये मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है NC20, एंड दिस इज़ अ वेरी 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 फेवरेट, मतलब मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, भाई साहब क्या बताएं, आप एक बार यूज़ करेंगे तो फैन हो जाएंगे इसके। एंड आज देख रहे हैं कि मैंने पानी डाल दिया है पूरी स्प्रे बॉटल अपने मेकअप पे, आपको दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए, कि भाई मेरा मेकअप नहीं छूटेगा। और ये देखिए, पूरे टिश्यू से मैंने पूरे फेस को एकदम क्लीन कर लिया है, बट टिश्यू में जरा सा भी प्रोडक्ट नहीं आया है। और आप
आप ये देख सकते हैं कि मेरा मेकअप जो है वो पूरा वाटरप्रूफ है बेस, तो देन आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसके बाद अपना अपना ब्लश 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 चीक्स को कर लेंगे अच्छे से ब्लश। एंड आप देख रहे हैं कि मैंने ईयर कॉर्नर से मतलब कान के पास से स्टार्ट किया है एंड देन आई बॉल पे फिनिश कर देंगे। और यही बेस्ट टेक्निक होती है आपको ब्लश लगाने की। अगर आप पूरा यहाँ से लेके नाक तक ला रहे हैं तो वो आपके पूरे फेस को भाई इतना गंदा दिखाएगा कि आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं, मैंने क्या लगा दिया। इसीलिए अब मेरे कंटूर की बारी। और अच्छे से कोई भी फेवरेट ब्रश उठाइए। नोज़ के लिए मैं थोड़ा सा छोटा ब्रश प्रेफर करूँगी, क्योंकि जब नोज़ कंटूर करते थोड़ा सा मीडियम साइज ब्रश जो होता है ना वो बेस्ट होता है। एंड देन उसके बाद अपने चीक्स पे देख रहे हैं आईबॉल की सेंटर से मैंने उसको कॉन्चोर को एंड किया है एंड कान के पास से स्टार्टिंग की है एंड ये आईबॉल के नीचे तक की रखा है। एंड उसके बाद ये जो ब्रॉड एरिया होता है अब गाल को तो अच्छा शेप दे दिया, अब ये वाला मुंह को भी शेप देना पड़ेगा ना, तो उसको भी अच्छे से कॉन्चोर कर लीजिएगा। एंड देन अपना निंजा टेक्निक हाइलाइटिंग वाले के लिए स्प्रे किया अपना फिक्सिंग स्प्रे एंड देन हाईलाइट। भाई इतना तगड़ा पिगमेंट देगा ना आपका हाइलाइटर कि आपको कोई भी काफ़ी प्रोफेशनल हाइलाइटर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको काफ़ी इजी वे में आप बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट कर पाएंगे। एंड नोज़ पे भी अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि नोज़ पे मैं फिंगर से हमेशा हाईलाइट करती हूँ, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ना मुझे ना फिंगर से ज़्यादा बेटर लगता है। आपको एक कंफर्टेबल जोन होता है वहाँ पर आप होते हैं ना, तो आप कुछ भी यूज़ करें बट आपका रिजल्ट जो होता है बहुत अमेजिंग आता है। देन अपनी आईब्रोज को कर लेंगे फिल। आप देख रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट इतना अप्लाई किया था, आईब्रोज तो काफ़ी हैवी हो गए, तो इसीलिए भाई साहब अपना जो एंगुलर ब्रश आता है वो मस्कारा ब्रश आता है उससे अच्छे से अपनी आईब्रोज को ब्रश कर लेंगे एंड देन फिल करेंगे। और आप जो रिज़ल्ट देखेंगे ना बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की आपकी आईब्रोज फिल होंगी और आप फैन हो जाएंगे अपनी आईब्रोज के। और ये देख रहे हैं कि लास्ट एंडिंग से मैंने स्टार्टिंग किया, जो हमारा सेंटर एरिया होता है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और इनर कॉर्नर पे ले जाएंगे। और उसके बाद अपना अप्लाई करेंगे कंसीलर, लाइट कंसीलर यूज़ करेंगे और पूरे कंसीलर से अपनी आईज को कर लेंगे कंसील, क्योंकि आपका जितना लाइट कलर का कंसीलर होगा उतना अच्छा आपका पिगमेंट दिखेगा, आपका आई शेडो उतना इन्हेंस हो के आएगा। तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा फ्लफी ब्रश लिया है एंड देन आज हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा नियॉन शेड। नियॉन शेड हम आउटर कॉर्नर्स पे डालेंगे एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक हमारा कर्व एरिया जो आउटर कॉर्नर होते हैं उस पर जो शो करेगा ना लाइट कलर, आज मैं रेनबो कलर सारे कलर्स यूज़ करूँगी और आप देखेंगे सारे कलर्स अलग अलग इन्हेंस हो के आएंगे। ये देखिए मैंने पहले ब्लू यूज़ किया हुआ है, ब्लू इनर कॉर्नर पे यूज़ करेंगे एंड देख रहे हैं कि एक थोड़ी सी मैंने लाइन बनाई हुई है, जो हमारी क्रीज लाइन होती है वो ड्रॉ करेंगे हम। ये डार्क शेड होगा तो इससे जो हमारी क्रीज लाइन होगी ना वो भाई बहुत तगड़ी प्रॉपर आने वाली है, उससे हम काफ़ी अच्छे से एक क्रीज लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसे अच्छे से ड्रॉ करके फिर मैं इसमें भी एक कलर मिक्स करूँगी, थोड़ा सा जो ऑलिव ग्रीन होता है आप लोगों ने देखा होगा ऑलिव ग्रीन, ये आपकी कार्निवल पैलेट में मिल जाएगा, मेरी फेवरेट पैलेट है ये और मैं सबको प्रेफर करूँगी। इसमें भाई साहब कलर ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है और आपको ऐसा कोई कलर नहीं होगा जो मे बी जैसे कॉमनली यूज़ करते हैं वो सारे कलर तो आपको अवेलेबल ही होते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं कि मैंने लाइट ग्रीन से लाइट ग्रीन कर दिया एंड आउटर कॉर्नर पे मैंने रेड अप्लाई कर दिया। रेड उसको अच्छे से ब्लेंड करिएगा और जो सेंटर हमारा इनर कॉर्नर क्रीज लाइन होगी उसमें भी अच्छे से ब्लेंड करिएगा, कहीं कंजूसी मत
मत करिएगा ब्लेंडिंग में, नहीं तो सब बकवास हो जाएगा। उसके बाद अपनी बना लेंगे कट क्रीज, सेंटर कट क्रीज बनाएंगे। उसके बाद अच्छे से उसको ब्लेंड कर देंगे। पहले एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से थोड़े से ड्रॉ कर लेंगे, अंदर एक ड्राई ब्रश लेंगे और उसको अच्छे से प्रोडक्ट जब वो पूरे में ब्लेंड कर देंगे ना, तो आप देखेंगे भाई मेरा प्रोडक्ट इधर उधर क्यों नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से ब्लेंड कैसे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट लगा रहेगा। तो आप उसी से करेंगे, फिर वो काफ़ी मोटा मोटा सा हो जाएगा, तो उससे आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद अपना हम उठाएंगे एक पर्पल शेड, डार्क पर्पल शेड का, डार्क पर्पल शेड का पहले हम पर्पल यूज़ करेंगे, डार्क पर्पल, एंड देन आपका मर्जेंटा पिंक नहीं होता वो यूज़ करेंगे, और इससे दोनों से शेडिंग देंगे। ऊपर पहले लाइट क्रीमी शेड, अच्छा सा क्रीमी शेड, एंड देन थोड़ा सा पिंकिश, फिर पर्पल, फिर डार्क पर्पल, कितना बढ़िया सा आपका जब शेडिंग नज़र आएगी ना तो बहुत ही मस्त लगता है। और ये कलर्स जो मतलब इन्हांस होके आते हैं बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद नीचे जो हमारे लोअर लेस होगी, लोअर लाइन, लोअर बॉटम लाइन, उसमें अच्छे से काजल अप्लाई करेंगे, एंड देन ब्लेंड 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 उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो काजल होता है वो मर्ज हो जाता है काफ़ी बार से लगते हैं। उसको हम बचाने के लिए एक लेंगे आई शेडो, एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, उसी में बहुत अच्छे से टिक जाएगा एंड कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर अपना लिक्विड वाइट लाइनर लेने वाले हैं, वाइट लाइनर, उसी एक अच्छी सी हम जैसे मैं बताती हूँ ना आउटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद फिल करेंगे, तो सिर्फ आज आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें फिल कुछ नहीं करना है, बस वाइट लाइनर। क्या बात है, कितना अच्छा सा लुक क्रिएट होके आएगा। एंड देन अपनी आई लेसेस को कर लेंगे पेस्ट, और आप देखेंगे कि आपकी आईज का लुक जो होगा काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी ब्यूटिफुल लगेगा। एंड देन उसके बाद इतना हैवी आई मेकअप के बाद काफ़ी ग्लॉसी आई मेकअप है, तो उस पर हम न्यूड शेड डालेंगे लिपस्टिक का, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। फिर हमने हल्का सा पीच कलर अपना शॉपरेल की पैलेट से उठाया है, वो मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें मैट फिनिश देता है। और देख रहे हैं कितना प्यारा सा लुक आया है निकल के। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो बिगिनर्स हैं उनसे भी बोल दीजिए मेरे चैनल को शेयर करें और देखें। तो मैं काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक बताती रहती हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, और आप लोग तो देख ही रहे हैं।